इसको बखूबी समझे चीज के बारे में कि क्या है वो। रावण की नाभि में अमृत कलश, क्या था वो अमृत कलश, और अग्नि तीर से, अग्नि बाण से ही क्यों वो अमृत कलश खत्म हुआ। आप कल्पना कीजिए उस समय की, जब शुरुआत में धरती बनी होगी और डायनासोर जैसे जीव पैदा हुए, जीव इतने बड़े बड़े, अच्छा वनस्पतियां कितनी बड़ी, उनसे बड़ी बड़ी, उस समय ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, बहुत अधिक होगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल गिरता आया, वैसे वैसे सभी जीवधारी का जो है शरीर गिरता चला आया। आज भी हम जो ये वेस्ट इंडीज वाले होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके शरीर देखते हैं, मतलब क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर अधिक है। हाँ, जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, पहाड़ पे रहने वाला व्यक्ति जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होगा उसकी हाइट कैसी होगी, छोटी हो जाएगी, और जहाँ ऑक्सीजन का लेवल अधिक होगा, पता चला उत्तर भारत में रहने पर हमारी हाइट क्यों लम, जितना ऑक्सीजन का लेवल होगा उतने हम स्वस्थ रहेंगे, उतने बलिष्ठ रहेंगे, उतने बलवान रहेंगे। क्षेत्र के हिसाब से हैं ये चीज़ें और वातावरण के हिसाब से हैं ये अंतर। हम गाँव और शहरों में देख सकते हैं कि शहर में रहने वाला बच्चा रोज़ाना ड्राई फ्रूट खा रहा है, फल खा रहा है, फिर भी कमज़ोर होता जा रहा है, और गांव वाला अगर सूखी रोटी भी खा रहा है लेकिन ऑक्सीजन का लेवल अगर भरपूर है तो भी वो स्वस्थ रहेगा। ये बात रावण को मालूम थी, और रावण ने अपनी नाभि के अंदर ऑक्सीजन को संग्रहित किया, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया। जिसकी नाभि में ऑक्सीजन का लेवल जितना अच्छा होगा उसकी नाभि कभी खराब नहीं होगी। आज 99.9% लोगों की नाभि खराब है क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल नहीं है, और ऑक्सीजन का लेवल नहीं होगा तो बीमार पड़ना स्वाभाविक है। ऑक्सीजन का लेवल किससे बढ़ता है, घी से बढ़ता है। ऑक्सीजन का लेवल और किससे बढ़ता है, खीर से बढ़ता है। ऑक्सीजन का लेवल और किससे बढ़ता है, दूध से बढ़ता है। ऑक्सीजन का लेवल और किससे बढ़ता है, गौमूत्र से बढ़ता है। ऑक्सीजन का लेवल और किससे बढ़ता है, प्राणायाम करने से बढ़ता है। बाबा रामदेव को सुना होगा, बैठ के प्राणायाम करो, योगासन से ज़्यादा प्रभावशाली है। योगासन में तो मैंने अपना पूरा शरीर तोड़ दिया, प्राणायाम सिर्फ मैं बैठ के कर रहा हूँ, बाबा पागल है क्या, विचार करूँगा कि बाबा गलत बोल रहा है। प्राणायाम में मैंने क्या भरा, प्राणवायु को भरा, उस ऑक्सीजन को भरा, उस ऑक्सीजन को संग्रहित किया, तो उस ऑक्सीजन को जितना मैं संग्रहित करूँगा मेरे सारे रोग समाप्त होंगे। इसलिए ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए ये सब तो किया, एक खास काम करता था रावण, जो शरद पूर्णिमा आती है ना उस पर हम सब खीर तो खाते हैं, लेकिन उसने उसका ज्ञान उससे भी एक लेवल आगे था। वो क्या कहता था कि प्रतिबिंब जैसे सूर्य का प्रकाश एक जगह इकट्ठा नहीं करते, कागज जलाते थे, हमें सिखाया जाता, वो क्या करता था, चांद के प्रकाश को, वो सौम्य है, ऑक्सीजन का लेवल है, वो सौम्य प्रकाश को अपनी नाभि के अंदर प्रतिबिंब बना करके इकट्ठा करता और ऑक्सीजन का लेवल इतना बढ़ा लिया। अच्छा, गांव में जब आदमी काम करते हैं ना तो उनकी वो मांसपेशियां ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं जिनसे वो काम करते हैं, और वो घी वगैरह खाते रहते थे तो ऑक्सीजन का लेवल उनका बढ़ा रहता था। तो हाथों से काम करने वाले के हाथ बलिष्ठ होते थे, पैरों से काम करने वाले पैर बलिष्ठ होते थे, वो दिमाग से काम करता था, शरीर बलिष्ठ था उसका, और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल उसने इतना अधिक बढ़ा रखा था कि उसकी जो मांसपेशियां हैं वो फटाफट रिपेयर होते थे, फटाफट। तो अगर ऑक्सीजन को कम करना है, मैं किसी गुफा में ऑक्सीजन, गुफा के दरवाजे को बंद कर दूँ और अंदर अग्नि जला दूँ तो वो अग्नि थोड़ी देर में क्या करेगी, उस सारी ऑक्सीजन को क्या करेगी, खा जाएगी। तो वो अग्नि, अग्नि का जो तीर है वो क्यों छोटा गया, वो समझ में आया हमें, है ना। तो अग्नि ना बढ़े इसके लिए हमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए हमें बच्चों के चिप्स कुरकुरे बंद करने पड़ेंगे, इसके लिए हमें बच्चों के जो एसिडिक भोजन है उसको बंद करना पड़ेगा। जो बिल्डिंग पूरी नहीं बन पाई 14 साल की उम्र तक, जितना जितना भोड़ा भाड़ा रहे ना, कहते थे ना पहले लाला, छोटे बच्चे को लाला, अरे लाला, तो जितना भोड़ा भाड़ा रहे उतना अच्छा। 14 साल की उम्र के बाद अपने आप दिमाग विकसित होने लगेगा, 14 से 18 के से जैसे जाते हैं
वैसे पित्त में बदलता जाता है कफ। तो 14 साल की उम्र से पहले ही, आज तो मेरे ख्याल से 12-12 साल की बच्चियों में समस्या होने लग गई, 14 साल की उम्र तो होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो उस कफ को बढ़ाए रखने के लिए, उस कफ को बनाए रखने के लिए शुद्ध देसी गाय का मक्खन अवश्य खिलाएं, हाथ की बिलौनी का। अगर आप मक्खन नहीं खिलाते तो उस बच्चे का ना तो हृदय अच्छे से मजबूत होगा, ना वो शरीर अच्छे से बनेगा। आप उस बिल्डिंग की कल्पना करो जो बगैर लिपाई बगैर प्लस्तर हुए रह गई हो, तो उतनी ही जल्दी वो गिरने वाली है। तो 14 साल की उम्र तक अगर उसके कफ ने पूरा काम नहीं किया, उससे पहले उसका पित्त बढ़ गया और वो पढ़ाई में होशियार हो गया, और मैं मान रहा हूँ कि मेरा बच्चा सबसे होशियार है, मतलब कि मैंने बीमार कर दिया अपने बच्चे को। ये हालत सभी बच्चों में नहीं होगा, 1-2% अलग से भी निकल के आ सकते हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे का 14 साल की उम्र तक मंदबुद्धि रहना अत्यंत आवश्यक है। इस पर विशेष ध्यान दें। इसलिए बच्चे को गुरुकुल में भी जब भेजा गया तो 8 वर्ष की आयु के बाद भेजा गया, उससे पहले तो बुद्धि किसी भी रूप में उसकी ना बढ़े, बढ़ी नहीं पाती थी उस रूप में। तो कफ का रोग कफ का प्रभाव अधिक रहेगा तो अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए बच्चों को क्या कैसे आभूषण पहनाएं, अगर पहनाने पड़े तो हमें केवल चांदी के। छोटी छोटी कन्याओं को, माताओं को जब दिखाया गया ना टीवी में भी, तो उनको चांदी के आभूषण में दिखाया गया, कभी सोने के आभूषण में नहीं दिखाया जाएगा। बड़ा विज्ञान है वो। तो इस रूप में है ये चीज़ें। तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाइए, और एक हमारी बुद्धि यहाँ पे ख़राब हो रही है दिनचर्या पे आने से पहले, मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि गुजरात वाले सबसे चालाक मैंने बता दिए ना, तो हम परमात्मा से ज़्यादा समझदार हो गए, चालाक हो गए। हमने गिर को सबसे अच्छी गाय मान लिया, क्योंकि शरीफ है, सबसे ज़्यादा दूध देगी, और सबसे ज़्यादा जो है दूध देगी तो गिर भी अच्छा आएगा और हमें अच्छे अचीवमेंट करने के लिए मिल जाए। परमात्मा से और इस प्रकृति से समझदार कोई नहीं है। गिर गुजरात के लिए अच्छी है, गिर एक चौड़े माथे की गाय है, दिमाग का प्रतिनिधित्व करती है। गिर के क्षेत्र से सबसे ज़्यादा व्यापारी मिलेंगे आपको। आपको दिमाग बढ़ाना है, आप गिर का दूध पीजिए, औरों की बजाय श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन उसके क्षेत्र में जाके, अपने क्षेत्र में आके नहीं। कॉन्करेज मोटे सिंगों की, लंबे सिंगों की गाय, जब ये डेरे वाले शुरुआत में जब चराने आते थे, जब हम लोग छोटे होते थे, तो सारे 6 फीट से लंबे, किसी की हाइट कम नहीं। मतलब महाराणा प्रताप भी इसी गैया के क्षेत्र से, जो 7.5 फुट से लंबे रहेगा। अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है, बलिष्ठ बनना है, तो आप उसका पीजिए, लेकिन उसके क्षेत्र में जाके। अब वो लोग पिछले 30 सालों से यहीं रह रहे हैं, तो अब उनकी हाइट छोटी होती जा रही है। गैया के ऊपर डिपेंड करता है। हरियाणवी दुनिया की एकमात्र ऐसी गाय जो खड़ी खड़ी 6-7 फुट की दीवार कूद जाए, एकमात्र ऐसी गाय। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आपको किसके क्षेत्र से मिलेंगे? गैया पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनेंगे। और हमने इन गैयों में मिक्सअप कर दिया सिस्टम को। परमात्मा ने भैंसे अलग अलग नहीं बनाई, कुत्ते अलग अलग नहीं बनाए, कौवे अलग अलग नहीं बनाए, गैया अलग अलग बनाई है। क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ के रहने वाले लोग कैसे होंगे और उसके चारों तरफ की वनस्पतियाँ कैसी होंगी। उस गैया से पैदा होंगी, उस गैया के गोबर से पैदा होंगी। और आयुर्वेद में सीधा सा सिद्धांत है, आपको आपके रोग की औषधि आपको आपके 10 कोस के अंदर मिलेगी, उस गैया के क्षेत्र में मिलेगी जहाँ की वो गैया है। क्योंकि मैं जहाँ पे पैदा हुआ हूँ मेरे में उसी तरह के रोग आएंगे। तो ये मूर्खता छोड़िए, ये मूर्खता छोड़िए कि वो गाय अच्छी है या वो गाय अच्छी है। जिस क्षेत्र के लिए बनाई है परमात्मा ने, श्रेष्ठ है। तकर का नाम सुना आपने? तकर, छाछ, मट्ठा, पेहो, है ना? छाछ जो रहेगी वो गाढ़ी रहेगी। लस्सी जो रहेगी सबसे गाढ़ी, मतलब लस्सी दही से सीधी डायरेक्ट लस्सी बना देते हैं। तकर जो रहेगी वो सबसे पतली रहेगी। 1 लीटर पानी, 4 लीटर पानी, 1 लीटर छाछ, सबसे पतली। तो जितना दक्षिण में जाएंगे तकर मिलेगा, ऊपर आएंगे मोर मिलेगा, छाछ मिलेगी, ऊपर आएंगे तो लस्सी मिलेगी। ठंडे क्षेत्र में रहोगे तो गाढ़ी छाछ पीनी आवश्यक है, गर्मी के क्षेत्र में रहोगे तो पतली छाछ पीनी आवश्यक है। इसलिए जब भी गर्मियों में छाछ बनाएंगे तो कैसी रहेगी?
पतली रहेगी और सर्दियों में जब भी छाछ बनाएंगे तो कैसी रहेगी, गाढ़ी रहेगी। बड़ा विज्ञान है, इस विज्ञान को समझिए। कब क्या खाना है इस चीज़ को जानना बड़ा आवश्यक है। अब इसके साथ थोड़ा ऋतुचर्या के बारे में मैंने बताई दी, दिनचर्या के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा समय ना लूँ मैं आपका क्योंकि काफ़ी समय ले लिया। ऑर्गन्स, आज एक चीज़ हमारे सामने आ रही है कि सुबह 3 से 5 के बीच 70% हार्ट फेलियर हो रहे हैं, 70%। आज गोल ब्लेडर स्टोन बहुत अधिक बन रहे हैं, आज लीवर फैटी बहुत अधिक, खासकर शहरों में तो सारे के सारे। कोई मेरे को कह रहा था, बोल जी इंडिया में तो लीवर फैटी स्वाभाविक हो गया। मैं कहा जी इंडिया में हुआ है, भारत में आज तक नहीं हुआ है। इंडियन बनेंगे तो बीमार पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हमारे मेरे शिवांग भट्ट जी ने जैसे बताया कि हमारे शरीर में खास ऊर्जा काम करती है, आप उस खास ऊर्जा को ऑक्सीजन मान लीजिए, प्राणवायु, वो प्राणवायु खास काम करती है, हमारे शरीर को रिपेयर करती है। अगर कहीं से मेरी हड्डी टूटी तो वो जुड़ेगी, चाहे मैं कोई औषधि का सेवन करूं या ना करूं, जुड़ेगी। मेरी आँख में कुछ गिरा तो तुरंत पानी आएगा, ये कचरा बाहर निकल जाए, बशर्ते मैं उसको ना दबाऊँ। मतलब परमात्मा ने सारी व्यवस्था करके दे रखी है मेरे को, गड़बड़ कौन कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, स्वयं कर रहा हूँ। तो इसी रूप में हमारे सारे ऑर्गन्स अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। हमारे शरीर में रोज़ाना डेड सेल्स बनती हैं आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी, और रोज़ाना निकलती हैं। फिर भी क्या ऐसा हो गया कि कैंसर या गोल ब्लेडर स्टोन अचानक से इतना बढ़ गया, जिसको देखो उसकी पित्त की थैली निकलवा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया पित्त की थैली में, क्या गड़बड़ आ गई? तो पित्त की थैली का जो समय है ना, वो रात्रि 11 से 1 का है, एक स्टैंडर्ड टाइम बता रहा हूँ मैं, वो टाइम 10:30 से 1 का भी हो सकता है, वो हो सकता है कि आपका 10 से 12 का भी हो जाए, वो रात्रि के समय पे डिपेंड करता है, रात्रि कितनी बड़ी या छोटी होती है उसके ऊपर या ऋतु के ऊपर। लेकिन एक स्टैंडर्ड समय है 11 से 1, इस समय गोल ब्लेडर जो है वो अपने आप को रिपेयर करती है, वो उसे अच्छा। गोल ब्लेडर जो है वो पित्त की थैली है, वो लीवर और स्टोमक के बीच पंपिंग करती रहती है जब तक हमारा भोजन हजम ना हो, वो पंपिंग करती रहेगी हजम करने के लिए, साथ में काम में लगी रहेगी। अच्छा, अगर वो फ्री होगी तो अपने आप को रिपेयर कर लेगी, अगर वो फ्री नहीं हुई तो क्या वो अपने आप को रिपेयर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। हमें भोजन को हजम होने में कम से कम 4 से 5 घंटे चाहिए। तो हमारा भोजन कब होना चाहिए, 5 घंटे माइनस करके देखिए। तो संध्या भोजन जल्दी करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि गोल ब्लेडर में कभी स्टोन ना बने। अब गोल ब्लेडर में स्टोन बनाने के लिए हम लेट भोजन कर रहे हैं। इसके बाद में रात्रि 1 से 3 का समय, ये है लीवर, हमारे सब की शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है और सबसे ज़्यादा काम है इसके पास, और एक तरह का मस्तिष्क है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है या ऐसे लोगों को देखा है जिनके लीवर में समस्या है और ढूंढ मतलब मानसिक रोग आ रहे हैं। जिसके लीवर में समस्या होगी ना, उसको मानसिक रोग आएंगे, मस्तिष्क से संबंधित रोग आएंगे। हो सकता है उसके बाल ही जड़े, हो सकता है वो वहमी हो जाए, हो सकता है उसको नींद ना आए, हो सकता है उसको एलर्जी बने, हो सकता है उसमें कैल्शियम कमी हो जाए, हो सकता है कि उसकी आँखों पे चश्मा लग जाए, क्योंकि लीवर का उपंग है हमारी आँख, आँखों पे चश्मा लग जाए। बहुत ज़रूरी ग्लैंड, मतलब अगर ये ठीक से काम नहीं कर रही, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि बेहोश हो रहे हैं रोज़ाना, और डॉक्टर को चेक करवा के आ रहे हैं, मशीनों में कुछ नहीं आ रहा, बोल जी नॉर्मल है। अच्छा, उसके लीवर में दिक्कत थी और इलाज चल रहा था दिमाग का, उसको लीवर को ठीक किया, वो ठीक हो गया। एक मेरे पड़ोसी गांव में एक बच्चा था, उसको भारत के डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोल जी इसका तो इलाज ही नहीं है भारत में। तो बोले कहाँ होगा? तो एक बड़ा हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा,
जयपुर में, और वहाँ पे एक डॉक्टर फॉरेंसिक डॉक्टर आता है और वो उसको चेक करेगा, और उस डॉक्टर ने उस बच्चे को हर महीने बुलाया एक साल तक। एक साल के बाद जैसी दवा ख़त्म हुई, वो उस बच्चे में फिर से वही समस्या शुरू हो गई। और उस डॉक्टर की एक बार मिलने की जो ओपीडी फीस थी वो थी 12,000 रुपये। अब उसके पिताजी को शुगर हो गई, ये सोच सोच के कि मेरे बेटे में ऐसी क्या बीमारी आ गई जो भारत के डॉक्टरों ने मना कर दिया। अच्छा, मैंने जब उसकी नाड़ी देखी तो मैंने कहा कुछ नहीं है, ठीक है, छोटी मोटी समस्या है। अच्छा, वो कह रहे कि या तो वैद्य बेवकूफ हो गया क्योंकि हम तो इतने दिनों से करवा रहे हैं, हमारे यहाँ पे ना रिप्स होते हैं, कोडिमाग बोला जाता है इनको, नाभि, आधुनिक विज्ञान नहीं पहुँचा इन चीज़ों तक। उसका एक साइड का लीवर को दबाए हुए रिप्स बैठा हुआ था, रिप्स बांख, ये साइड वाला कोडी होती बीच में, ये दोनों साइड के, ये राइट साइड वाला रिप्स बैठा हुआ था। मैंने नाड़ी देखी, मैंने कहा इसका तो रिप्स बैठा हुआ है, कोई खास समस्या नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो बोले नहीं, इसको तो बहुत बड़ी समस्या है। मैंने क्या है, बोले ऐसे ऐसे इलाज चल रहा है। अब घबरा तो मैं भी गया, बहुत बड़ा इलाज चल रहा है। तो मैंने कहा जी चल रहा होगा, लेकिन ये बच्चे को खास बीमारी नहीं है। तो बोले जी हमें 20 दिन बाद दिखाने जाना है, उससे पहले अगर आप ठीक कर दो देख लो। मैंने कहा मेरे को 15 दिन दे दो, मैं 15 दिन में ठीक कर दूँ। तो आज उस बच्चे को 7 साल से ऊपर हो गए, वो दोबारा बीमार नहीं हुआ है, उसके 3 दिन में रिप्स ठीक करवाया। लेकिन शर्त ये है ना कि हम नाभि को नहीं मानते, नाभि को नहीं समझते, या कोडिमा क्वीन को नहीं समझते, कागलिया हो जाता बच्चे, पूरी रात रोते रहते, समझ उन चीज़ों को नहीं समझते। तो उसको समझा और उसका इलाज किया, ठीक हो गया। अब लीवर खराब है तो इतने सारे रोग, खासकर मस्तिष्क से संबंधित, याददाश्त कमजोर होना, बाल झड़ना, और ये सारे रोग आएंगे। और लीवर, सारे शहरवासी तो अपने लीवर को के दुश्मन हैं, सारे के सारे शहरवासियों का लीवर फैटी है, और लीवर फैटी के सामने इन्होंने इतनी चतुराई से नॉर्मल शब्द जोड़ दिया कि नॉर्मल है लीवर फैटी लीवर तो आजकल नॉर्मल हो गया। लीवर फैटी नॉर्मली सभी को हो गया, वो नॉर्मल नहीं है। और वो क्यों हो गया, क्योंकि मैं रात को भोजन कर रहा हूँ 10 बजे, मेरे लीवर का समय निकल रहा है, और मेरे लीवर का जब समय निकल जाएगा मेरा लीवर ठीक नहीं हो पाएगा, तो बताएं मैं कैसे ठीक हूँ। और जिन जिन लोगों का लीवर फैटी है, रात को 1 से 3 के बीच सबकी नींद खराब होती है, सब मानेंगे इस चीज़ को। जिनके लीवर में समस्या है सबकी रात को 1 से 3 के बीच परमात्मा उठा करके बताता है, बेटे यहाँ समस्या है, सुधर जा, नहीं सुधरेगा तो समस्या आएगी। उसके बाद प्रातः जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, 3 से 5 का जो समय है, सूरज उगने से 2.5 घंटे पहले का जो समय है, वो समय है हमारे लंग्स का, फेफड़ों का। इस समय फेफड़े काम करेंगे, सबसे ज़्यादा पंपिंग करेंगे इस समय पे, फेफड़े रिपेयर होंगे। अच्छा, डॉक्टरों से जब पूछा जाता है कि सुबह 3 से 5 के बीच ही सबसे ज़्यादा हार्ट फेलियर क्यों होते हैं, तो अब तक उनका जवाब सिर्फ इतना आया है कि उस समय पर ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। उलट कर जब ये सवाल किया गया कि उस समय तो आदमी सो रहा है, लेट रहा है, आराम कर रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे तेज हो सकता है, ना तो वो दिमाग चला रहा है उस समय पर और ना ही वो दौड़ भाग कर रहा है, तो कैसे तेज हो सकता है, उससे आगे उनके पास जवाब नहीं है मॉडर्न विज्ञान के पास में। हमारे ऋषियों ने बताया कि ये ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए हैं। सुबह 3 से 5 बजे उठने वाले व्यक्ति, सुबह आज सारी दुनिया को विटामिन B12 की कमी हुई पड़ी है, क्यों, क्योंकि उठ ही लेट रहे हैं, लेट उठेंगे तो पेट साफ नहीं होगा, किसी का पेट अच्छे साफ होता नहीं, विटामिन B12 की कमी बता देते हैं, अर्धकब्जी बोल देते हैं, इस तरीके के रोग बोल देते हैं। पेट खराब तो 80% रोग आएंगे ही आएंगे, कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता अगर आपका पेट खराब है। तो सुबह कब उठना चाहिए हमें, सूर्य उदय से पूर्व। अच्छा, लोग 5:30 बजे उठ के ये बोलते हैं जी हम सूर्य उगने से पहले उठ गए, हाँ 5 से पहले पहले पूर्व,
अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो लंग्स आपके पूरा पंपिंग करेंगे, और जो बड़ी आंत है, परमात्मा ने इसको बड़ी आंत को ऐसे क्यों बनाया, विचार किया है कभी? ये बड़ी आंत में तो सिर्फ मल है, ये ऊपर उठ कर जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, क्यों इधर बकेटा खड़ा किया, डायरेक्ट क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि जब लंग्स पंपिंग करेंगे तो इस बड़ी आंत में प्रेशर बनेगा, इससे मल उठ करके आगे बढ़ेगा और इस तरफ आएगा। अगर मैं इस समय सो रहा हूँ तो वो वायु का प्रेशर उस मल को सुखा देगा, और सूख गया मल तो पेट साफ तो होने से रहा। और सुबह 4 बजे उठने वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि मैं तो सुबह उठ के पैर नीचे रखता नहीं, कि मेरे को तो भाग के फ्रेश होना पड़ता है। सच्चाई है। तो सुबह जल्दी उठेंगे तो पेट साफ होगा। पेट साफ 3 लोगों का नहीं होता, लेट उठने वाले का, एलोपैथी की दवाई खाने वाले का, तीसरा जिसको लंग्स से संबंधित कोई बीमारी ना हो। जब तक लंग्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, छोटे बच्चे को नमोनिया हो जाए ना तो उसका पेट साफ नहीं होगा। पूछ के देखो कि फ्रेश हुए कितने दिन हो गए, जी इसको तो नमोनिया हुआ है ना, तब से फ्रेश ही नहीं हुआ। अच्छा, उस बच्चे को आप किसी तरह फ्रेश करवा दो, पेट साफ करवा दो, उसका नमोनिया ठीक हो जाएगा। नमोनिया हो जाए ना बच्चे को, उसकी पसलियाँ चलने लग जाएंगी पेट। तो अगर उसका पेट साफ होता है तो नमोनिया नहीं हो, और नमोनिया ना हो तो पेट साफ होगा, मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसमें हार्ट का क्या महत्व है? अच्छा, किसी का हार्ट फेलियर हुआ हो सुबह 3 से 5 के बीच, तो उनके परिवार से कभी पूछ के देखना इनको फ्रेश हुए कितने दिन हो गए, जो 4 दिन हो गए थे, 5 दिन हो गए थे, ये फ्रेश ही नहीं हुए। मैं कहता हूँ जितने लोगों को स्टंट डला हुआ है ना, उसमें से ये मान के चलिए कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 70% लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज था ही नहीं, मात्र वायु का दबाव था। क्यों? क्योंकि पेट साफ नहीं हो रहा था। उनका पेट साफ किया वो ठीक हो गए। वो कहाँ से थे? सीसवल भाई के नाना जी, कलायतुर, कलायत से। उनको 95% ब्लॉकेज बता रखा। और मेरा उस दिन पंचकुला में था प्रवास, मैं उनके पास था, तो उनके पास फ़ोन आया कि इनको तो 95% ब्लॉकेज बता दिया, फटाफट पैसे लेके पहुँचो। तो उन्होंने उल्टा कहा कि फटाफट नाना जी को लेके मेरे पास पहुँचो। तो मैं वहीं था, मैंने देखा उनको, मैंने औषधि दे दी, औषधि दी तो मैंने कहा जी ठीक है, 15 दिन में काफ़ी आराम हो जाएगा। तो अब 15 दिन के बाद नाना जी आके कह रहे हैं भाई मेरा तो परहेज खुलवा दे, मेरे को तो कर रहा है नाचने को मन। मैं तो नाचूँ, मैं कोई बात नहीं, रुक जाओ अभी। उनको मैंने 45 दिन तक दवा खिलाई और अब वो भले चंगे हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों को फंसाया जाता है हार्ट में ब्लॉकेज बता करके, क्योंकि मेरे पेट में वायु फंसी हुई है, 3-4 दिन से मैं फ्रेश नहीं हुआ, मेरे पेट में वायु फंसी हुई है। शाम के समय भी मैंने कढ़ी खाई, दाल खाई, आलू, बैंगन गोभी, जो वायु बनाती है, इस तरह की कोई चीज़ खाई, पनीर खाया, जो गरिष्ठ कोई चीज़ खा ली, तो इस तरह की चीज़ खाई तो पेट में वायु स्वतः ही और बढ़ेगी। और सुबह सुबह जब लंग्स पंपिंग करेंगे तो वो वायु यहाँ तक तो बढ़ी हुई है, वो और ऊपर आएगी और सबसे पास में आकर के हार्ट को क्या करेगी, फेल करेगी। तो हार्ट फेल नहीं होगा अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं। हमें सांस से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं। हमें पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं। और जिसका पेट ठीक, जिसके फेफड़े ठीक, उसको बताओ, जिसका हृदय ठीक, उसको बताओ, बीमार कौन करेगा? मेन तो यही सिस्टम है। मुझे आज भी ध्यान है, मतलब हम जब छोटे, क्योंकि हम गाँव में ही रहते हैं, मतलब शहर में रहना हमारे लिए मौत है। शहर में कोई रखे तो 2 दिन से ज़्यादा हमसे नहीं रह जाएगा। गांव में जब अगर हम छोटे छोटे थे, 6 बजे उठ करके खेतों की तरफ जाते ना, तो मतलब बड़े बूढ़े डांट लगा देते थे, है सूरा दोपहर में जा रहा है, दोपहर में जा रहा है, मतलब 6 बजे दोपहर। और यहाँ हमारे सुबह 11 बजे उठ करके गुड मॉर्निंग बोलते हैं शहरों में। ये हालात हैं यहाँ। तो अगर हम सुबह उठेंगे जल्दी तो बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी भाई के शायद मामा जी थे, उनको डॉक्टरों ने कैंसर बताया हुआ है, और मैं लिख के दे सकता हूँ उनको कैंसर नहीं है। मैंने उनको उनके बचपन तक की बीमारी बता दी
और तब उनको विश्वास आया कि उनको वो था कि उनको ऐसी बीमारी बनी थी, उनको कैंसर बता रखा है डॉक्टर ने। 80% लोगों को कैंसर नहीं है, सिर्फ कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी से गांठें बन रही हैं, उसको कैंसर का नाम दिया जा रहा है या बायोप्सी के जरिए जो है उनमें कैंसर बनाया जा रहा है, आपके चेहरे पे पिंपल्स हो जाए और आप उसको फोड़ दें तो पिंपल्स बढ़ेंगे, और उस पिंपल को कुछ ना करें तो पिंपल्स अपने आप स्वतः ही कम हो जाएगा। इसी तरीके से बायोप्सी करेंगे, शरीर के साथ छेड़खानी करेंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी, अगर हम छेड़खानी ना करें, सिर्फ केमिकल से बच जाएं, सिर्फ केमिकल से बच जाएं और दिनचर्या का ठीक से पालन कर लें, केमिकल के नाम पे साबुन पेस्ट वगैरह ये सब क्रीमें वगैरह पाउडर वगैरह ये सब छोड़ दें तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। वो ही मामला है जो राक्षसनियों का था, खून से होठ रंगने, कत्लखानों में जो जीव कटते हैं उन्हीं के खून से तैयार हो रही है। मेरी एक बुरी आदत है, मतलब मैं अपना बखान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बुरी आदत है, मैं आदमी का चेहरा देख करके उसी बीमारी जान लेता हूँ, और ये मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस पे था इस पर। तो मैं जब शहरों में जाता ना तो मेट्रोज वगैरह में बैठता तो वो लड़के लड़कियाँ ना मुंह पोत पोत के आते, अच्छा फिर भी उनके चेहरे पे चमक नहीं, मुंह पोत लो फिर भी चेहरे पे चमक नहीं आएगी, जब आपकी आते साफ हो जाएंगे ना तो आपके गालों पर एक अलग से चमक आएगी, आपके चेहरे पर एक अलग से चमक आएगी। तो चमक लेने के लिए मुझे किसी चीज़ का सहारा लेना पड़े, ये तो गलत है। और आँतों होठ जो हैं आँतों से जुड़े हुए हैं, बड़ा नीचे का होठ है वो बड़ी आँत से जुड़ा हुआ है, ऊपर का होठ है वो लीवर से जुड़ा हुआ है, नाक है वो हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है, कान है वो किडनी से जुड़े हुए हैं, आँख है वो लीवर से जुड़ी हुई है, ये लंग्स से हमारे गाल जुड़े हुए हैं, जितने लंग्स अच्छे होंगे उतने गाल गाल होंगे, गाल जो है लाल होंगे, ठीक है ना। तो छोटे बच्चों के लिए छोटे मुंह नहीं होता है, छोटे बच्चे के लिए थोड़ा सा वो है कि थोड़ा सा एक आध घंटा लेट उठ सकता है, लेकिन उठना होगा सूर्य उदय से पूर्व, सूर्य उदय से पूर्व, घड़ी नहीं देख सकते कितनी उम्र तक, जब बच्चा दूध पीना छोड़ दे उसके बाद से, जब सुबह का सुबह, हाँ ये सुबह वाला जो सिस्टम है ना, मतलब लगभग 6 साल की उम्र के आसपास सुबह वाला जो सिस्टम है, कुछ माता पिता अपने बच्चे को पहलवान बनाने के चक्कर में सुबह सुबह स्कूल में दूध पिला के भेजते हैं, लीवर खराब कर रहे हो, दुश्मन हो अपने बच्चों के। दूध को हजम करने के जो एंजाइम्स हैं वो सूरज छिपने के बाद पैदा होते हैं और सूरज उगने से पहले, तो सर्दियों में सूरज लेट उगता है तो सर्दियों में तो सुबह दूध पी सकते हैं, इसके अलावा हम दूध सुबह नहीं पी सकते, दूध सिर्फ रात्रि को। इसी तरीके से जैसे सूर्य छिपता है, सूर्य छिपने के बाद एक स्पेशल हार्मोन बनता है हमारे मस्तिष्क में जो हमें 10 बजे तक नींद लेने में सहायक होता है, अगर उस समय तक हम नहीं सोए तो वही हार्मोन हमारी नसों को इतना टाइट करता चला जाएगा कि आगे ब्रेन हेमरेज तक होने का खतरा रहेगा, तो जल्दी सोने की भी आदत डालें। इसके अलावा कोई सवाल था? नीचे का होठ है बड़ी आँत से, गाल है फेफड़ों से, नाक है हृदय से, आँखें हैं लीवर से, कान है किडनी से।